आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। भारत पावर लूम मैदान में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के जबलपुर शाखा ने मुस्लिम महिलाओं और युवाओं लड़कियों को स्वरोजगार से जोड़ने, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के उद्देश्य से दो दिवसीय स्वरोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें दो दिनों से हजारों महिलाओं ने व्यापारियों मेलों में फायदा उठाया। व्यापारिक मेला खासतौर से रोजगार और व्यवसाय के अवसरों पर केंद्रित था, जिनमें अपने घरों से बिजनेस करने वाली महिलाओं और लड़कियों ने हिस्सा लिया है। मैदान के दौरान विशेष कार्यक्रम कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न व्यवसायों को शुरू करने पर मार्गदर्शन दिया गया। कई उत्पादनों में अनेक तरह के स्टॉल मौजूद थे और संबंधित व्यवसाय शुरू करने की पूरी जानकारी भी दी गई। इस मेले में खाद्य उत्पादों को क्राफ्ट, डिजिटल मार्केटिंग, गारमेंट, बुरखा, हिजाब, खेलकूद से लेकर ट्यूशन व्यवसायियों तक के स्टॉल मौजूद थे। दो दिन तक इस रोजगार मेला विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए है और सभी व्यवस्थाएं और संचालन महिला के द्वारा किया गया है। इस मौके पर इम्तियाज साहब, उपाध्यक्ष जमात बा इस्लामी हिंदू मध्य प्रदेश, ने कहा कि ये मेला जॉब फेयर, रोजगार और व्यवसाय की संभावनाएं तलाश रही हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए जानकारी और प्रेरणा का केंद्र साबित होगा। स्टॉलों और कार्यशाला की एक श्रृंखला के माध्यम से उपस्थित लोगों को अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू करने के लिए एक नए रास्ते को खोजने का मौका मिलेगा। स्वाभाविक रूप से आज का दौर सबसे ज़्यादा कठिन है और सारी जवाबदेही घर को चलाने के धन और गृहणियों की होती है और कहीं से भी महिला पुरुषों के पीछे नहीं रहती, बल्कि हम ये कहेंगे कि सेविंग से लेके घर की सारी व्यवस्थाओं को संचालित करना जितनी बारीकी से की सोच महिलाओं की होती है। और ये क्षेत्र ऐसा है कि यदि टैलेंट बहुत है, प्रतिभाएँ बहुत है, पूरे शहर का यदि हम देखें तो एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू यहाँ से होता है और एवज में उनको इतना महंगा नहीं होता जितना कलात्मक काम वो करते हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता रहे, ये आज के दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ी जरूरत है। बच्चियों में खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जागे, महिलाओं में जागे और घर चलाने में सहायक सिद्ध हों, ये आज के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता। और आयोजकों को मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। एक अच्छी सोच के तहत बेहतरीन काम किया है और इसको और ज़्यादा प्रचारित प्रसारित करें कि कम से कम महिला के सशक्तिकरण अपने पैरों पे बच्चियां खड़ी हों, महिलाएं खड़ी हों, ये आज का समय की सबसे बड़ी मांग भी है। मैं ये सरकार को भी ऐसे आयोजन कराने चाहिए, गवर्नमेंट के शॉपिंग करें जी, बताइए लेने चाहिए ऐसे मेले होने बताइए जी। आयु ऑर्गेनाइजेशन में आज मेले का दूसरा दिन है और ये मेला बहुत ही अच्छा, बहुत ही सफल मेला रहा है। कल भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, बहुत सारी शॉपिंग्स की उन्होंने। जो महिलाएं हैं वो अपने घर से आकर यहाँ पर रोजगार कर रही हैं और उनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे मेले ऑर्गेनाइज किए जाना चाहिए जिससे महिलाएं बाहर आकर अपने रोजगार को बता सके कि हमारे अंदर क्या क्या काबिलियत है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम तबामनेश। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।